आईफोन XR को लिए काफ़ी दिन हो चुके हैं। मैंने ये फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल में लिया था और इसका कवर भी मैंने बाद में परचेज कर लिया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आईफोन XR को ख़रीदने के बाद में मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा, क्योंकि मैंने एंड्रॉयड फ़ोन भी यूज़ किए हैं, आईफोन्स भी मैं अब यूज़ कर रहा हूं, और मैंने एंड्रॉयड फ़ोन काफ़ी अच्छे अच्छे भी यूज़ किए हैं। क्या उनमें डिफरेंस होता है, क्या इसमें डिफरेंस होता है, सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं, और इसको यूज़ करने का मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहला जो लोग बहुत ज़्यादा सवाल पूछते हैं, इसका कैमरा कैसा है। तो दोस्तों, अगर आप बहुत ज़्यादा गोरे गोरी वाले ब्यूटी मोड के शौकीन हो, जैसे कि ओप्पो वीवो के फ़ोन में आते हैं, तो वैसे मोड इसके अंदर नहीं है, लेकिन जो एक्चुअल कैमरे की क्वालिटी है ना, वो एकदम नेक्स्ट लेवल की है, तगड़ी क्वालिटी है, एंड्रॉयड फ़ोन से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। लेकिन जो मैंने आपको बताई ब्यूटी मोड्स, वो इसके अंदर नहीं है, जो कि फ्रंट कैमरे में आपके चेहरे को एकदम चमका चमका देते हैं। जो आप फ्रंट कैमरा ऐसे आपने ओपन किया तो आप एकदम चमका देते हैं, तो ऐसा इसके साथ नहीं है। लेकिन जो इसका ब्यूटी मोड है वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, लेकिन जो कैमरे की एक्चुअल क्वालिटी है ना, वो एकदम तगड़ी है। तो इसकी कैमरे की क्वालिटी के मामले में अगर मैं बात बताऊं कि एंड्रॉयड फ़ोन से कितना ज़्यादा बेहतर है, तो एंड्रॉयड फ़ोन से काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, एकदम नेक्स्ट लेवल का है। और इसका जो बैक कैमरा है 12 मेगापिक्सल का है, लेकिन इसकी क्वालिटी एकदम मस्त। एंड्रॉयड फ़ोन मैंने यूज़ किए हैं, रियलमी X2 मैंने यूज़ किया है, 3 प्रो भी यूज़ किया है, और भी बहुत अच्छे अच्छे फ़ोन किए यूज़ किए हैं, तो एक कैमरे क्वालिटी एक नंबर। दूसरे नंबर पे बात करते हैं इसकी साउंड क्वालिटी की। तो आपको पता है कि इसके अंदर ऊपर से भी आवाज़ आती है यहाँ से, और नीचे से भी आवाज़ आती है, यानी कि स्टीरियो स्पीकर है, तो साउंड क्वालिटी एकदम मस्त, लाउड भी है, बेस भी अच्छा है, ट्रबल भी अच्छा है, और झनकार वनकार सारी चीज़ें एकदम मस्त है, किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद में जब किसी का कॉल वगैरह आता है, तो कॉल आने के बाद में इसका जो यहाँ से आवाज़ आती है, यानी कि इसकी स्पीकर से, ईयरपीस से, तो उसकी क्वालिटी कैसी है, तो उसकी क्वालिटी भी अच्छी है। आपको आप जैसे आप मार्केट वगैरह में जाते हो, तो उसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा विजिबल भी आपको हो जाती है, किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम नहीं आती। हेलो, क्या है भाई? बढ़िया है। इसके बाद में हम बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसकी डिस्प्ले ओनली HD डिस्प्ले है। तो भैया, इसके HD डिस्प्ले है, लेकिन जो डिस्प्ले में जो कलर्स हैं वो एकदम वाइब्रेंट है, मस्त है, बिल्कुल फुल कलर डिस्प्ले। इसकी डिस्प्ले की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आने वाली। मीडिया कंजप्शन अगर आप करोगे तो इसकी अच्छी क्वालिटी आती है। इसके बाद में बात करते हैं इसकी बैटरी की। तो दोस्तों, इसकी बैटरी अच्छी चल जाती है, मतलब आप इसको अगर सुबह चार्ज कर लिया और नॉर्मल यूज़ कर रहे हो, कुछ नहीं, बस फ़ोन आ रहा है, फ़ोन उठा रहे हो, डिस्प्ले खोल रहे हो, लॉक खोल रहे हो, और थोड़ा बहुत नेट चला रहे हो, तो शाम तक चल जाती है, 8-9 बजे तक कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन अगर आप थोड़ा हैवी यूज़ करते हो, हमेशा स्क्रीन पे रहते हो, यूट्यूब ज़्यादा चलाते हो, नेट ज़्यादा चलाते हो, तो 5-6 घंटे भी ये आसानी से चल जाती है। तो ये आप बैटरी इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो यार, मैं आपको एक बात और बता दूं कि अभी मैंने इसको लगभग बिग बिलियन डे में डे सेल में परचेस किया था, और तब से लेके अब तक इसकी बैटरी हेल्थ मैं आपको बता देता हूँ कि कितनी हेल्थ आ चुकी है इसकी। तो बैटरी हेल्थ इसकी 99% आ चुकी है। सॉरी, डिस्प्ले में आपको कुछ नहीं दिख पा रहा, लेकिन मैं वैसे डाल दूंगा, तो बैटरी हेल्थ इसकी 99% पे आ चुकी है। इसकी सबसे ज्यादा मेजर प्रॉब्लम मुझे बताऊं क्या लगी, सिर्फ इसके अंदर मुझे एक ही प्रॉब्लम लगी कि जब मैं इसके अंदर वीडियो कॉल करता हूं,
जब हम किसी अपने फ्रेंड से वीडियो कॉल करते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। सिर्फ वीडियो कॉल करते हैं तब, वीडियो के गाने सुन लो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप नेट चला लो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब कुछ चला लो एकदम तगड़ा, गेम खेल लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जब हम वीडियो के गाने सुनते हैं तो हीट हो जाता है। यही मुझे इसका माइनस पॉइंट लगा। और जब हीट हो जाता है तो बैटरी थोड़ी जल्दी ड्रेन होने लग जाती है, यानी कि वीडियो कॉलिंग में थोड़ा सा ये हीट होने लग जाता है। तो यही प्रॉब्लम मुझे देखने को मिली, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसकी नेटवर्क कैपेसिटी कैसी, यानी कि नेटवर्क कैसे आते हैं, तो इसके नेटवर्क भी काफ़ी अच्छे आते हैं। मतलब जहाँ पे एंड्रॉयड फ़ोन में एक नेटवर्क भी नहीं आता, वहाँ पे इसके अंदर एक नेटवर्क का एक डंडा आ जाता है, यानी कि नेटवर्क की क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी है, बेहतर है इससे एंड्रॉयड फ़ोन से, तो नेटवर्क के मामले में कोई भी इशू इससे नहीं आएगा। और मैं आपको बता देता हूँ इसकी नेटवर्क की स्पीड कैसी, यानी कि नेट कैसा चलता है, तो नेट काफ़ी ज़्यादा फास्ट चलता है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम आपको इससे नहीं होने वाली। और इसका साउंड मैंने आपको बता दिया है। लास्ट एंड फाइनल हम बात कर लेते हैं इसके डिज़ाइन के बारे में। तो मैं इसका कवर हटा लेता हूं। दोस्तों अगर आपको ये कवर अच्छा लग रहा है और ये टेम्पर्ड गिलास अच्छा लग रहा है, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये कलर और टेम्पर्ड गिलास अच्छे लग रहे थे, तो अगर आपको परचेस करना है तो ये मैंने लगभग छोटू भाई कितने में लिया था, ये मैंने 400 या 300 रुपये में लिया था, और ये जो टेम्पर्ड है ये मैंने 100 रुपये में चढ़वाया था। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे ये टेम्पर्ड, और ये कवर भी अच्छा है। तो अगर आपको परचेस करना है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको रख देते हैं हम साइड में। और इसकी मैं आपको बता देता हूँ डिज़ाइन, तो डिज़ाइन आप देख लीजिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और मैं आपको बता देता हूँ रियलमी एक्स टू में और इसमें कितना ज़्यादा डिफरेंस लगता है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये एंड्रॉयड फ़ोन से कितना ज़्यादा बड़ा है और कितना नहीं है। तो गाइस ये मेरे पास फ़ोन है, ये रियलमी एक्स टू है, और जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है वो रियलमी 3 प्रो से रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये रियलमी एक्स टू एंड ये है अपना आईफोन XR। तो आप देख लीजिए इतना बड़ा ये फ़ोन है, और थिकनेस भी आप देख लीजिए कितनी है इसकी, यानी कि दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, यानी कि ज़्यादा है नहीं। तो आप डिज़ाइन के मामले में देख लेना, रियलमी एक्स टू है और ये XR है, तो दोनों काफ़ी सिमिलर हैं। ये जो रियलमी एक्स टू ये हल्का सा बड़ा है, और डिस्प्ले भी आप देख लीजिए, डिस्प्ले इसकी सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, इसकी HD डिस्प्ले है, लेकिन डिस्प्ले के मामले में दोनों ही एकदम बेस्ट है। सुपर एमोलेड भी अपनी जगह बहुत अच्छी है, लेकिन जो आईफोन की जो IPS LCD डिस्प्ले है वो भी एकदम मस्त डिस्प्ले है, रेटिना HD डिस्प्ले बोलते हैं इसको, लेकिन क्वालिटी एक नंबर आती है। तो दोस्तों यही था मेरा इसका एक्सपीरियंस, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई ये फ़ोन, एंड्रॉयड फ़ोन से मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो अब ये मेरा प्राइमरी डिवाइस है, और जो मेरा सेकेंडरी डिवाइस है वो रियलमी एक्स टू है, वो सॉरी रियलमी 3 प्रो है। इससे ही मैं वीडियो शूट करता हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ, सारा काम करता हूँ, और इस फ़ोन को मैं सिर्फ अपने मीडिया कंजप्शन के लिए ही यूज़ करता हूँ, जो अपना पर्सनल कॉल्स वगैरह है उसके लिए। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये डिवाइस, और 35,000 रुपये में मैंने लिया था, ओनली 35,000 रुपये मुझे पड़ गया था, लॉन्च हुआ था 76,000 रुपये का था लॉन्च टाइम में, और अब मुझे लगभग आधी रेट में ये मिल गया है, काफ़ी ज़्यादा मैं। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।